पहला इतिहास अध्याय 7 कुल पद 40। इस्साकार के पुत्र तोला, पुआ, याशूब और शिमरोन 4 थे। तोला के पुत्र उज्जी, रपाया, यरियेल, यहमे, यिबसाम और शमुएल, ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। उज्जी का पुत्र यजरहिया और यजरहिया के पुत्र मीकाएल, ओबद्या, योएल और यशैया 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे और उनके साथ उनकी वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में से थे, वे 87,000 बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदियेल, ये 3 थे। बेला के पुत्र एसबोन, उज्जी, उज्जियेल, यरिमोत और ईरी, ये 5 थे। ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। बेकेर के पुत्र जमीरा, योआश, एलियेजर, एलुएने, ओमरी, यरेमोत, अबिया, अनातोत और आलेमेत, ये सब बेकेर के पुत्र थे। ये जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। यदियेल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यूश, बिन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तर्शीश और अहिशहर थे। ये सब जो यदियेल की संतान और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग 17,200 पुरुष थे। ईर के पुत्र शुपीम और शुपीम और अहेर के पुत्र हुशी थे। नप्ताली के पुत्र एहसियेल, गोनी, येसेर और शल्लूम थे। ये बिल्हा के पोते थे। मनश्शे के पुत्र अस्रियेल, जो उसकी अरामी रखेल से उत्पन्न हुआ था, और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। माकीर, जिसकी बहन का नाम माका था, उसने हुपीम और शुपीम के लिए स्त्रियां ब्याह ली, और दूसरे का नाम सलोफात था और सलोफात के बेटियां हुईं। फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम पेरेश रखा, और उसके भाई का नाम शेरेस था, और इसके पुत्र उलाम और राकेम थे। उलाम का पुत्र बदान, ये गिलाद की संतान थे, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। फिर उसकी बहन इम्मोलेकेत ने ईशहोद, अबियेजेर और महला को जन्म दिया। शमीदा के पुत्र अहान, शेकेम, लिखी और अनियाम थे। एप्रेम के पुत्र शूतेले और शूतेले का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एलादा, एलादा का तहत, तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र शूतेले हुआ, और शूतेले के पुत्र यजेर और एलाद थे, जिन्हें गत के मनुष्यों ने, जो उस देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे। अतः उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा, और उसके भाई उसे शांति देने को आए। तब वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री शेरा थी, जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरान नामक नगरों को और उज्जैन शेरा को
दृढ़ कराया। उसका पुत्र रेपा था और रेशेब भी, और उसका पुत्र तेलहे, तेलहे का तहन, तहन का लादान, लादान का अम्मीहूद, अम्मीहूद का एलीशामा, एलीशामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था। उनकी निज भूमि और बस्तियां गांव समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांव समेत गेजेर, फिर गांव समेत शकेम और गांव समेत अज्जा थी, और मनुष्यों की सीमा के पास अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, मगिद्दो और दौर। इनमें इसराइल के पुत्र यूसुफ की संतान के लोग रहते थे। आशेर के पुत्र यमना, यशवा, यशवी और बरिया, और उनकी बहन सेरह हुई। बरिया के पुत्र हेबेर और मलकियेल, और यह बिरजोत का पिता हुआ। हेबेर ने यपलेत, शोमेर, होताम और उनकी बहन शुआ को जन्म दिया। यपलेत के पुत्र पासक, बिमहाल और अश्वात, यपलेत के यही पुत्र थे। शेमेर के पुत्र अही, रोहगा, यहुबा और अराम। उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, यमना, शैलेश और आमाल। सोपह के पुत्र सू, हरनेपेर, शुआल, वेरी, इमरा, बेसेर, होद, शम्मा, शिलसा, यत्रान और बेरा। येतेर के पुत्र यपुन्ने, पिस्पा और अरा। उल्ला के पुत्र आहे, हनियेल और रिस्या। ये सब आशेर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े से बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे। ये जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गिने गए, इनकी गिनती 26,000 थी।